दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गुरुवार की सुबह जिला मुख्यालय के समीप बारातियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में एक राहगीर सहित दो लोगों की मौत होने के साथ ही कुल 17 लोग घायल हुए हैं। दो घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें रेफर किया गया है। शेष घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस अधीक्षक सहित 3 थानों का पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं कलेक्टर ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों के उपचार की व्यवस्था कराई। जानकारी के मुताबिक ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम हमा निवासी पूरन अहरवार के पुत्र रमेश की बारात बुधवार को बड़ा मलेरा थाना क्षेत्र के एक गांव गई हुई थी। गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे बारात की बस बारातियों को लेकर हमा वापस आने के लिए निकली। बारात में शामिल ढीलापुर निवासी गंगाराम अहरवार के मुताबिक बस चालक बेहद तेज गति से चला रहा था। रास्ते में बारातियों ने उससे गति धीमी करने का भी आग्रह किया, लेकिन उसने बात नहीं मानी। बारात हमा पहुंचने ही वाली थी कि गांव के मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया और बस एक पेड़ से टकराकर पलट गई। बस के पास से गुजर रही 2 बाइकें भी बस की चपेट में आ गईं और दोनों बाइक पर सवार 3 लोगों सहित 17 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, SDM विनय द्विवेदी सहित ओरछा रोड थाना, कोतवाली थाना और गढ़ी मलेरा थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं अन्य घायलों को गंभीर हालत के चलते रेफर कर दिया है। छतरपुर जिले के थाना ओरछा रोड अंतर्गत ग्राम हमा है, जहाँ पे एक बारात बस में बड़ा मलेरा से हमा की तरफ आ रही थी। ये मेन रोड है जो गढ़ी मलेरा और महोबा की तरफ जाता है। यहाँ पे जैसे ही जो बराती थे उन्होंने अपने गांव की तरफ बाई मुड़ने को बोला, एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए, जिसके कारण बस स्किड हुई और एकदम से पलट गई। कलेक्टर संदीप जीआर ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था कराई। जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर SK गुप्ता ने 2 लोगों की मौत होने और 2 के रेफर होने, साथ ही कुल 17 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर लाल अहरवार ने भी घायलों से मुलाकात कर परिजनों को ढांढस बंधाया है। तो एक अनफॉर्चुनेट बस एक्सीडेंट हुआ था अभी हमा के पास, कुछ 4-5 किलोमीटर आगे यहाँ पे छतरपुर में। तो उसी संबंध में जो हमारे पेशेंट्स जो है, जो एक्सीडेंट में जिनको चोट लगी है, उनको इलाज वगैरह की सही तरीके से मिले, उसी को एक बार रिव्यू करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि उनको इलाज जल्दी से जल्दी हो जाए, उसी के लिए आज का ये विजिट है। बताया गया है कि महोबा रोड पर छात्रावास के समीप रहने वाले गणेश पुत्र राजकुमार प्रजापति 18 वर्ष के घर विवाह समारोह है। गणेश अपने रिश्तेदार देशराज पुत्र मुन्नी प्रजापति 13 वर्ष भगुवरा थाना चंदला के साथ आम और जामुन के पत्ते लेने के लिए घर से निकले हुए थे। जिस वक्त बारातियों से भरी बस पलटी, उस वक्त गणेश बस के बगल से गुजर रहे थे और वह भी बस की चपेट में आ गए। दुर्घटना में गणेश और देशराज दोनों घायल हो गए और बाद में जिला अस्पताल में उपचार के दौरान गणेश की मौत हो गई। इसके अलावा बस कंडक्टर मातादीन उम्र 45 वर्ष निवासी घुआरा की भी मौत हुई है। मृतक गणेश के रिश्तेदार देशराज प्रजापति और बाराती सुनील पुत्र लट्टी अहरवार निवासी ग्राम हमा को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। साथ ही एक अन्य राहगीर भवानी सिंह बस की चपेट में आकर जख्मी हुआ है। जे मामा है, मामा के लड़का थे, उनके मामा बुआ का लड़का था, एक मामा का लड़का था। तो इनकी मतलब ये लोग गए थे, आज इनकी शादी है, कल बारात है, और ये लोग गए थे वहाँ पे पत्ती तोड़ने, घर उसकी वो होती है आम की पत्तल तोड़ने। तो वो लोग यहीं पे साइकिल से थे और ये बस पड़ी तो उन्हीं ऊपर गिरी पूरी बस। तो वो मामा का लड़का था, वो तो खत्म ही हो गया, लेकिन जो लोग कह रहे इलाज चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया इलाज है। अस्पताल में क्या कुछ समझ में नहीं आया, कह रहे मेरा घुस मर गया पहले, और बता रहा कि जिंदा है, जिंदा इलाज चल रहा है वहाँ पे, अभी फिर एकदम से बता दिया कि खत्म हो गया। जब भी बता देते हम लोग बाहर ले जाते, ग्वालियर जहाँ जहाँ पे रेफर करते चले जाते। अब बताओ जब एंड टाइम पे बता रहे हैं लोग खत्म हो गया, अब क्या उसका मतलब, अब क्या करेंगे उसके लिए। अभी बस पलटने से कुछ लोग अस्पताल में घायल अवस्था में आए हुए हैं, जिनमें से काफ़ी लोग 2-3 लोग गंभीर थे, जिनमें से 2 लोग मृत्यु हुई है।
बाकी सभी लोग अभी जब का इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति का नाम मातानी विश्वकर्मा बताया, जो 44 साल का है। दूसरा गणेश प्रजापति, इसकी उम्र 18 साल है। दो लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी सभी व्यक्तियों अभी ठीक है। एक व्यक्ति सीरियस है, उसको 108 एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज ग्वालियर भेजा जा रहा है। काफ़ी लोग घायल है, अभी गिनती तो मैंने एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग घायल हुए हैं।